यार मैं मारूंगा तुझे तेरे गाल के। क्या पहना है आपने? बस ये देखिए मेरी बहन के काम। शानी भाई बात सुन रही, वो कपड़े उतार लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, मजे में हूँ। सो गाइस, मुझे पता है कि हम लोग रमजान वगैरह चल रहे हैं, लेकिन काम वगैरह भी जरूरी है। सो आई हैव टू गो टू सैलून, और मेरी सिस्टर को आज कहीं और जाना है काम से, तो आई हैव टू गो सैलून, उनकी जगह मैं रहूँगी। काफ़ी दिनों से मैं सैलून नहीं जा रही, मैंने कहा चलो घर पे रेस्ट मारते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि रमज़ान के स्टार्टिंग के दिनों में इतना कोई काम शाम नहीं होता। शायद मैं जल्दी ऑफ कर दूंगी सैलून से 5 बजे तकरीबन, फिर वापस आके हम भी अफ्तारी करेंगे। तो गाइस, साइमन दी और टीना दीदी आ चुकी हैं, और मतलब टीना दी आ चुकी हैं अपने घर से, तो साइमन दी लोग सारे रेडी हो चुके हैं, और ये लोग मुझे उठा रहे थे, तो अब भी जाके मैंने फ्रेश वगैरह हुई हूँ। सो अभी मैं हम लोग जा रहे हैं क्या कहते हैं सैलून, गाड़ी वगैरह नीचे उन्होंने स्टार्ट वगैरह कर दी होगी, सो हम लोग सैलून जा रहे हैं। सो गाइज, मैंने ये हुड पहन ली है लूसा, ताकि मैं भी रिलैक्स रहूँ आज सारा दिन पार्लर में, और अपने कुछ काम शाम भी कराने हैं पार्लर में जाके, हम लोग काम वगैरह करेंगे और देखते हैं कि आज क्या सीन है, क्या प्रोग्रेस है हालात की, रमज़ान चल रहा है। इस वही डेली की रूटीन है, रूम वगैरह तो मैंने अपना सेट कर लिया है, ठीक है, अपना बेड वगैरह बाकी सारी चीज़ें वगैरह सेट कर लिया है, और अभी मैं निकल रही हूँ नीचे, पहले नीचे चलते हैं देखते हैं फिर नीचे के हालात शिलात क्या है। आजकल गाइस पढ़ा भी नहीं जा रहा सही से, सही जो बात बताएं आपको, अच्छा तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है, सोचती हूँ कि पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा तो बिल्कुल नहीं जाता। तो मैं निकल रही हूँ बाहर, ओहो मैं तो दरवाज़ा बंद करना भूल गई अपने कमरे का, लाइट शाइट हमने ऑफ कर दी है, और मैं दरवाज़ा भी बंद कर दूँ, चार्जर और मेरा गाइस हम लोगों ने चार्जर स्टॉलर उठा लिया भाई, कपड़े छपड़े लटके में, और इनको देखे ना कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाय बाय मिठू मिठू मिठू, बाय 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 बाय। इसको जाते हैं, ये छोड़ के हम जाते हैं, सो यू कैन सी। और मैं अब जा रही हूँ क्या कहते हैं पार्लर, गाड़ी तो इन लोगों ने स्टार्ट की भी है, और ये सामान भी साथ रखा है जो उन्होंने जाने के लिए, और भी हम लोग नीचे जा रहे हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको नहीं कह रहे डैडी, ये शानवी को देख सकते हैं आप। डैडी जाए क्या कहते हैं उधर बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, डैडी 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 डैडी। तो गाइस मैं तो बैठ गई हूँ गाड़ी में, अब ये लोग आते रहेंगे पीछे से, इनके काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, वैसे कहते हैं मैं लेट हो जाती हूँ, चलो शानवी की गाड़ी की तलाशी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये काम किया ना तो सच में भड़क जाएंगे। मचल जाएंगे। ये नीचे करना, ज़रा नीचे करना। डैडी कहाँ से होके आ रहे हो? हेलो डैडी, कहाँ से होके आ रहे हो? एगी लेके आ रहा हूँ गाइड। मिल आए हो ना उस लड़की से आप? हाँ जी गाइड। हाय करो चाइल्ड, कैसी हो? हाय सेटअप, पढ़ाई शाई की है? पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो जी।
समझ आ रही है तुमने मेरा नाम रोशन करना है? जी दीदी जी। दीदी पेपर हो गया बस। मम्मा पापा का करो ना करो मेरा नाम रोशन करना है तुमने, समझ आ रही है? जी दीदी जी। So guys, ये लोग तो बहुत लेट कर रहे हैं, तो मैं तो भी क्या कहते हैं जा रही हूँ अंदर गाड़ी बंद करके, क्योंकि काफी देर से मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में। चाबी तो निकाल दिया, मैं देखती हूँ इनको क्या मसला है इन लोगों के साथ। अच्छा, ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी है। गाइस क्या हो रहा है? गाइस गाइस ये है टीना दी। हम जा रहे हैं यार, मैं मारूंगा तुझे तेरे गाइस। ये देख सकते हैं आप, शानी भी अटैक करे मेरे पे। शानी भी अटैक करे मेरे पे। आजो मैं। हाँ हाँ चलो जा रही है। हाँ जा रही है। लाल कुर्ती उतरे। क्या पहना है आपने? गाइस ये देखे मेरी बहन के काम। पर्दा करते हैं, पर्दा खराब हो जाएगा। जूती रख ली है? शानी भाई बात सुन रही, वो कपड़े उतार लीजिएगा। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से और कॉलेज जाने लगे। मैं तो पॉलर जाऊंगी और टीना जी लोग काम से जाएंगे दूसरे पॉलर। पहले कहाँ जा रही हो? पेट्रोल पंप। सो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं क्या कहते हैं सैलून, और ये है हमारी यूनिवर्सिटी रास्ते में आती है तो सैलून यूनिवर्सिटी के करीब ही है हमारा सैलून। वैसे तो इससे बिल्कुल करीब है, बाटा चौक में नियर ऑपोजिट टू एमसीपी बैंक। और क्या कहते हैं वहाँ पे ये मेन पे नज़र आ जाएगा, एक साथ ही गली जा रही होती है वहाँ पे हमारा सैलून है। अभी रास्ते में जा रहे हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं कि इधर से यूनिवर्सिटी से आगे तक हमारा सैलून कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो लेडीज़ वर्ल्ड के नाम से हमारा सैलून, और अभी तो हम सैलून जा रहे हैं। यहाँ से गाइज आप लोगों ने होना है लेफ़्ट टर्न, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कपड़े शपड़ों की दुकानें होंगी। आगे आता है चौक में, उसको बाटा चौक कहते हैं, बाटा चौक, हाँ बाटा चौक ही कहते हैं। तो यहाँ से अब आप इस तरह से लेफ़्ट टर्न होंगे तो इधर से इस तरह से गली आ जाएगी। एंड बहुत मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा है कि एड्रेस एड्रेस एड्रेस, आज जिसने भी एड्रेस मांगा ना मैं से कहूँगी मेरा व्लॉग देखो वहाँ पर होगा एड्रेस। एड्रेस क्या पूरी पूरी मैप बताएगा कि कहाँ कहाँ जाना है। तो आप यहाँ से इस तरह से जब जाएंगे उसके बाद आप साथ साथ रहें और बताते हैं आपको। सो गाइस लाल कुर्ती वैसे अब बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन बहुत ही मशहूर है, सभी जानते हैं लाल कुर्ती के बारे में। यहाँ की हर एक जगह एक ही तो चौक है लाल कुर्ती चौक, ठीक है बाटा चौक यहाँ पे आता है, सीधी सीधी सी बात है। इस बाटा चौक को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता मुझे ये बताएं।
और अब यहाँ से जो ये इस जगह को मेन कहते हैं बाटा चौक, जहाँ पे बहुत रश भी होती है और आपको यहाँ पे बहुत ही घिचपिच भी मिलेगी। इतनी रश होती है मतलब यहाँ पे बंदा आके रुक जाता है लास्ट में कुछ भी हो, ठीक है। लेट नाइट होता है कि यहाँ पे रश ना हो, वैसे तो इधर रश ही रश होती है, ठीक है, क्योंकि बाज़ार भी है, कपड़े वगैरह वाली शॉप भी है और मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन बाटा चौक से आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, हर तरह की आपको जो भी आपको चाहिए होगा। सो गाइस यहाँ से आप लोगों ने राइट टर्न लेने हैं चौक से राइट टर्न लेंगे। यहाँ पे आपको वैसे तो बताने के लिए ये फूड एक्सप्रेस भी और साथ एमसीबी बैंक भी है। ये जो गली जा रही है ना इधर, ये जो डॉलर का लिखा हुआ है, इस गली के अंदर जाना है लेफ्ट। तो यहाँ से जब आप फिर आप लेफ्ट होंगे तो यहाँ पे सामने करके मेरा सैलून होगा, अभी आपको दिखाते हैं। ये सैलून भी आ गया है हमारा। सो गाइज़ दिस इज़ आर सैलून, मतलब इधर से ऐसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल मेन पे ये, ठीक है। अभी तो हम लोग शटर खोलेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग शटर खोलेंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये मैंने शटर खोल दिया और उसके बाद फिर हम लोग लॉक खोलेंगे और आपको ये बिल्कुल मेन पे सैलून आपको नज़र आएगा हम लोगों का। और ये आपके मेरे बैनर्स वगैरह अंदर पड़े हैं, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे अभी। और गाइज सिस्टर लोगों को जाना था किसी के घर, ठीक है, और फिर मुझे लेके जानी थी मिठाई और मैं गई यहाँ से मरहबा स्वीट्स के पास, ठीक है, लाल कुर्ती में बहुत ही मशहूर है, तो मैंने वहाँ से जाके ली मिठाई मैं और चेरी गए। और एनवेलप भी लेना था और मिठाई भी लेनी थी हम लोगों ने, तो सबसे पहले भी मैं यहाँ गई शॉप पर और मैंने उनको बोला जी मुझे मिठाई दे दें। और मुझे वैसे लेने तो नहीं आती लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, आज मैं पहली दफ़ा खुद जाके पहली नहीं, ये शायद दूसरी दफ़ा है। एक मेरी दोस्त की शादी हुई थी तब मैं खुद गई थी लेने के लिए और अब मैं दूसरी दफ़ा है दोबारा जा रही हूँ मिठाई लेने के लिए। मरहबा स्वीट्स के नाम से है ये बेकरी, इसकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, लाजमी जाएँ ट्राई करें, बहुत मज़ेदार मिठाइयाँ होती हैं। वैसे मुझे सब कहते हैं कि राधिका तुम्हारे हर व्लॉग में खाने पीने वाली बात तो लाजमी होगी, कुछ भी कर लो तुम, यही ज़िंदगी है, खाओ पियो याशी करो और क्या होता है, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं ना हम खाना पीना छोड़ दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो व्लॉग में आएगा, आप खाते पीते तो व्लॉग में भी आएगा कि खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है, शुक्र है खुदा का। उसके बाद क्या कहते हैं, और अब हम लोगों ने मिठाई वगैरह ले ली, डिफरेंट मैंने मिक्स मिठाइयाँ ली थी। मिठाई लेके फिर हम लोग गए लेडी बर्ड है, नहीं अली बुक शॉप है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने लिया एनवेलप क्योंकि सिस्टर को चाहिए था, उन्होंने किसी के घर जाना था और मतलब कोई इवेंट था शायद, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने जाना था उनके घर, उन एनवेलप लेके गई, मैंने एनवेलप लिया। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ सैलून और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड। साइमा दीदी लोगों को मैंने भेज दिया है, मैं यहाँ पे सैलून में थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, मतलब रुकूँगी सैलून में और क्या कहते हैं, तो उसके बाद हम लोग अफ्तारी से बिल्कुल पहले हम लोग घर चले जाएँगे क्योंकि रमज़ान में हम लोग थोड़ा जल्दी बंद कर देते हैं, मतलब परसों से हम लोग थोड़ा लेट नाइट तक रुकेंगे 9-10 बजे तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड आज मैंने व्लॉग थोड़ा जल्दी एंड कर दिया, सुबह की सारी जब से स्टार्ट से लेके और अभी तक सैलून आ गया, उसके बाद मैंने आपको पहले की रूटीन बता दी है कि हम लोग अब चले जाएंगे 5 बजे। सो गाइस जिन जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इन दी एंड मैं आपको यही कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग आने वाली और वीडियोज़ वगैरह मेरे साथ देख सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो जो न्यू वीडियोज़ आएंगी तो आप लोगों को पता लगता रहेगा साथ साथ के नई वीडियोज़ आ चुकी है। यहाँ पर मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।